नमस्कार, मैं रवि कुमार, डायरेक्टर इजीवे। तो चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में हम लोग कॉम्बिनेशन सेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। कॉम्बिनेशन सेट को हम लोग हिंदी में संयोजन सेट भी बोलते हैं, और इससे संबंधित अलग अलग एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। इसके लिए अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये कॉम्बिनेशन सेट होता है। इसके बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखें तो यह एक प्रकार का मार्किंग, चेकिंग और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। मतलब इसकी सहायता से जॉब के ऊपर हम लोग मार्किंग भी कर सकते हैं। जॉब में अगर बना हुआ एंगल है तो उसको हम लोग चेक भी कर सकते हैं, और माप लेना होगा, स्लॉट की गहराई वगैरह चेक करनी होती है तो उसके लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। कैसे प्रयोग करते हैं इन सभी कामों के लिए, ये एक एक करके सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। अगर कॉम्बिनेशन सेट के मटेरियल के बारे में बात करें तो एलवाई स्टील, नहीं तो कास्ट स्टील या फोर्ड स्टील, और एलवाई स्टील में निकेल क्रोमियम स्टील, नहीं तो स्टेनलेस स्टील बोल सकते हैं, और कास्ट स्टील ये स्टील मेटल ही है लेकिन कास्टिंग करके बनाया जाता है, और फोर्ज स्टील का मतलब है ये स्टील मेटल है लेकिन इसको गर्म अवस्था में पिट पिट करके और फोर्जिंग करके बनाया जाता है। तो ये मेटल यहाँ से ध्यान रखना है। पूछा जाए अगर कि कॉम्बिनेशन सेट किस मेटल का बना होता है तो इसमें से कोई एक मेटल होगा तो आसानी से टिक आउट कर सकते हैं। और इसमें सबसे जो अच्छा मेटल होता है ये एलवाई स्टील होता है। अगर इन ऑप्शन में से अगर इस तरीके से तीनों ऑप्शन दे दिया जाए तो इसमें से सबसे सुटेबल आंसर कौन होगा, एलवाई स्टील। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो बेस्ट मेटल है ये फोर्ड स्टील होता है, तो इसको टिक आउट कर सकते हैं। अभी इसको हम लोग कॉम्बिनेशन सेट के नाम से जानते हैं क्योंकि जो अलग अलग पार्टों का कॉम्बिनेशन होता है, और अलग अलग पार्ट में यहाँ पर देखेंगे तो ये पहला पार्ट स्क्वायर हेड है, दूसरा पार्ट है ये प्रोटेक्टर हेड है, तीसरा पार्ट ये सेंटर हेड है, और ये जो चौथा पार्ट होता है ये रूल या ब्लेड होता है। अभी ये चारों पार्ट का अगर हम लोगों को यूज करना है तो इसमें से एक एक करके किसी दो पार्ट का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, और इसमें जो स्टील रूल होता है ये कॉमन रहता है। अभी किसी भी पार्ट को अगर हम लोग यूज करना चाहें तो इसमें ये स्टील रूल कॉमन होता है। बिना स्टील रूल के सहायता से इसका प्रयोग हम लोग कर ही नहीं सकते। जैसे इस स्क्वायर हेड का प्रयोग करना है तो उसके लिए स्टील रूल, ये जो स्लॉट बना हुआ है इस खांचे में डाल करके और फिर हम लोग उपयोग करते हैं। कैसे उपयोग करते हैं ये सारा चीज़ हम लोग एक वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो इसमें एक अभी नेक्स्ट पॉइंट है, इसे कॉम्बिनेशन सेट के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह निम्नलिखित पार्टों का कॉम्बिनेशन होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यहाँ से यही पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा भाग कॉम्बिनेशन सेट का नहीं है। अगर नहीं है तो तीन भाग इसमें से दिया रहेगा, ऑप्शन में दे देता है स्क्वायर हेड, उसके बाद सेंटर हेड, फिर प्रोटेक्टर हेड, और फिर दे देगा वहाँ पर गेज। तो कौन सा भाग नहीं है, तो गेज इसका भाग नहीं होता। या इस तरीके से उल्टा क्वेश्चन पूछे कि निम्न में से कौन सा कॉम्बिनेशन सेट का भाग है, तो पार्ट का नाम याद रखना है, इसके आधार पर क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक, ये अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है, इसरो में भी, डीएमआरसी वगैरह में भी ऐसा पूछा जाता है क्वेश्चन, तो इसको ध्यान रखना है। अभी ये जो कॉम्बिनेशन सेट के एक एक पार्ट है इसका यूज हम लोग किस तरीके से करते हैं, कहाँ पर करते हैं, इसको समझने के लिए एक हम लोग वीडियो को देखते हैं, और वीडियो को देखने के बाद फिर हम लोग यहीं पर आएंगे और एक एक पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। हम इसके पार्ट्स के बारे में, इसका पार्ट जो आता है चार पार्ट होता है। फर्स्ट है स्टील रूल, स्क्वायर हेड, प्रोटेक्टर हेड, सेंटर हेड, चार पार्ट होता है इसका। इसमें फर्स्ट है ये हमारे पास स्टील रूल। स्टील रूल जनरली जो हम लोग यूज करते हैं उसी प्रकार से इस पर ग्रेजुएशन होता है। ये 300 mm का स्टील रूल है। तो इसमें मेन स्केल पर ग्रेजुएशन कितना है, 300 mm तक है। यहाँ पर ये 300 mm तक है। जो जनरल स्टील रूल होता है उसी के तरह इसमें भी एक 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 ग्रेजुएशन में बटा होता है, यानी
300 का है तो 300 पार्ट, 300 डिवीजन इस पर ग्रेजुएट रहता है स्केल पर, ऊपर में इंच है और नीचे में एमएम या सेंटीमीटर। जैसे यहाँ पर ये स्टार्ट हो रहा है 1 2 3 4 5, तो इसके सहायता से क्या कर सकते हैं हम लोग 0.5 के एक्यूरेसी में, लिस्ट काउंट इसका क्या है 0.5 mm, 0.5 mm के एक्यूरेसी में इससे किसी भी जॉब को मेजर कर सकते हैं। तो ये स्टील रूल है, निकल क्रोमियम स्टील का बना होता है ये, और पीछे इसमें स्लॉट होता है, ये स्लॉट इसका उपयोग बताएंगे कहाँ होता है स्लॉट का। अभी इसके पार्ट से बस स्टील रूल के बारे में जानते हैं। सेकंड में आता है स्क्वायर हेड, ये कॉम्बिनेशन सेट का जो ये पार्ट है इसको बोलते हैं स्क्वायर हेड, इसको बोलते हैं स्क्वायर हेड, स्क्वायर हेड। और ये स्क्रू है, ये जो इसमें स्टील रूल में ये स्लॉट है, इसमें भी एक अंदर इंटरनल स्लॉट होता है, उसको और ये इस स्लॉट को दोनों को मैच करके, इस स्क्रू की सहायता से मैच करके और इसमें इंसर्ट करते हैं, उसके बाद इसी से लॉक भी करते हैं इस तरह से, इसमें इंसर्ट करके इस तरह से इसको लॉक कर देते हैं। उसके बाद आता है प्रोटेक्टर हेड, ये हमारे पास है ये प्रोटेक्टर हेड। प्रोटेक्टर हेड में जिस तरह से हम लोग चांद यूज करते हैं हमारे इंस्ट्रूमेंट ज्योमेट्री बॉक्स में, जो चांद होता है उसी तरह का इसमें भी होता है। ये डिग्री बटा हुआ है, 0 इधर से 0, 10, 20 इस तरह से 180 डिग्री तक, 180 डिग्री तक ये क्या कर सकता है, किसी भी एंगल को मेजर कर सकता है और मार्क भी कर सकते हैं 180 डिग्री के अंदर। तो ये जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट ज्योमेट्री बॉक्स में जो प्रोटेक्टर हेड होता है उसी तरह का ये होता है, इसी तरह से इसमें भी स्लॉट होता है, इसमें भी स्लॉट होता है, उसी स्लॉट में इसको क्या करते हैं स्केल को इंसर्ट करते हैं, इस तरह से इंसर्ट करते हैं इसको। उसके बाद पीछे ये वाला है जो ये लॉकिंग स्क्रू होता है, इसको इसकी सहायता से क्या करते हैं हम लोग रीडिंग को लॉक करते हैं। जैसे 45 डिग्री इसको सेट करके इससे लॉक कर देंगे, तो कोई भी रीडिंग को सेट करके लॉक करने के लिए स्क्रू पीछे होता है, और स्लॉट को एडजस्ट करने के लिए ये स्क्रू है, उसको एडजस्ट करके उसके बाद इंसर्ट करते हैं स्केल को इस तरह से। स्टील रूल, स्क्वायर हेड, प्रोटेक्टर हेड, और फोर्थ में आता है सेंटर हेड। सेंटर हेड ये है हमारे पास सेंटर हेड, ये दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री परपेंडिकुलर होते हैं, और ये स्लॉट को एडजस्ट करने के लिए होता है। तो इसका उपयोग किसी भी राउंड जॉब के सेंटर को निकालने के लिए होता है। जैसे ये हमारे पास राउंड जॉब है, ये इसका सेंटर हम लोग अभी निकालेंगे थोड़ी देर में, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो किसी भी जॉब के सेंटर निकालने के लिए क्या उपयोग करते हैं, इसके सेंटर हेड को। सेंटर हेड कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं हम लोग, पहला है राउंड बार का सेंटर निकालने के लिए, दूसरा स्क्वायर बार का सेंटर निकालने के लिए, और तीसरा ऑक्टागोनल स्टॉक है उसका सेंटर निकालने के लिए। उसके बाद कुछ और पार्ट्स है इसमें, जैसा कि ये पार्ट, इसको बोलते हैं स्प्रिट लेवल, ये है स्प्रिट लेवल, ये हरा वाला पार्ट, इसमें बबल्स होता है, और ये बबल्स है इसमें जो आगे पीछे हो रहा है, तो इसको बोलते हैं स्प्रिट लेवल। उसके बाद ये वाला, ये पार्ट्स खुलता है, इसको बोलते हैं स्क्राइबर, ये स्क्राइबर है, इसका उपयोग किसी भी मेटल सरफेस पे मार्किंग करने के लिए, लाइन खींचने के लिए होता है। ये स्प्रिट लेवल और ये स्क्राइबर, स्प्रिट लेवल का उपयोग किसी भी जॉब को एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में सेट करने के लिए होता है। तो ये रहा पार्ट्स। अब हम लोग, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे क्या क्या देखा है, स्टील रूल, स्क्वायर हेड, प्रोटेक्टर हेड, सेंटर हेड, जब भी किसी भी पार्ट्स को यूज करेंगे तो इस स्केल के सहायता से ही, ये कॉमन रहता है हर एक पार्ट्स में, ये कॉमन आएगा। जैसे
हम स्क्वायर हेड यूज कर रहे हैं, ये स्क्वायर हेड हमारे पास है, तो इसका उपयोग आएगा ही। किसी दो के कम्बिनेशन से हम लोग किसी दो के कम्बिनेशन को बनाकर हम लोग किसी भी जॉब को मार्किंग या मेजरिंग कर सकते हैं। तो इसीलिए इसका नाम क्या है, कम्बिनेशन सेट। दो पार्ट से कम्बिनेशन से कोई भी काम हम परफॉर्म करते हैं, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कम्बिनेशन सेट। तो ये हमारे पास स्क्वायर हेड है, स्क्वायर हेड है, तो इस स्केल को क्या करेंगे, सबसे पहले स्केल को इसके अंदर इंसर्ट करेंगे। ये स्लॉट होता है, ये इसके अंदर स्लॉट है, स्लॉट को पिन की सहायता से एक लाइन में एडजस्ट करके और इसको क्या करेंगे, ये स्टील रूल को इसमें इंसर्ट करेंगे, ये हो गया। उसके बाद इसको लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद ये जो बनता है ऑटोमेटिकली, ये स्टैंडर्ड है, ये 45 डिग्री पे बनता है और ये 90 डिग्री पे, ये 90 डिग्री पे एक दूसरे के साथ। अगर 90 डिग्री पे एंगल मार्क करना है तो इसकी सहायता से क्या कर सकते हैं हम लोग, 90 डिग्री, ये कितना है 45 डिग्री, ये 45 और ये 90, इसके सहायता से 45 और इसके सहायता से 90 डिग्री। इसका उपयोग ट्राई स्क्वायर के रूप में भी कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ये MS फ्लैट है, माइल्ड स्टील का मटेरियल है, इसका ये सरफेस चेक करना है, ये प्लेन है कि नहीं, और ये इसके एज को चेक करना है इसके रेफरेंस में, ये दोनों 90 डिग्री पर है कि नहीं। तो इसकी सहायता से क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको इस तरह से कॉन्टेक्ट में ला करके चेक कर सकते हैं ये 90 डिग्री पर है कि नहीं। तो इसको ट्राई स्क्वायर के तरह भी यूज कर सकते हैं, इस स्क्वायर हेड को, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, इसको इस एज को दोनों कॉन्टेक्ट में लाकर चेक कर सकते हैं कि ये 90 डिग्री पर है कि नहीं, ये लगभग है। अगर नहीं होगा तो क्या करेंगे, इसको फाइल से घिस करके और 90 डिग्री पर लाते हैं। फिर उसी तरह से इसके सरफेस को भी ये सरफेस को चेक कर सकते हैं, ये बराबर है कि नहीं। तो इस तरह से इसका उपयोग ट्राई स्क्वायर के रूप में भी कर सकते हैं, स्केल और स्क्वायर हेड को यूज करके, स्केल और स्क्वायर हेड को यूज करके हम लोग ट्राई स्क्वायर के रूप में इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट में है प्रोटेक्टर हेड, ये प्रोटेक्टर हेड है, इसको क्या करेंगे, स्केल को इसमें इंसर्ट करेंगे, ये इंसर्ट हो गया है। उसके बाद इसमें अगर यहाँ पर क्या होता है, ये जीरो और ये प्रोटेक्टर हेड का जीरो, यहाँ से स्टार्ट होता है। अगर मान लीजिए हमको 45 सेट करना है तो इसको इस तरह से रोटेट कर करके जीरो को 45 तक लाते हैं। 45 आने के बाद क्या हो गया, ये पीछे होता है लॉकिंग, ये वाला लॉकिंग स्क्रू, इसको क्या करेंगे, ये इस लॉकिंग स्क्रू उसकी सहायता से क्या करेंगे, इसको लॉक कर देंगे। जैसे यहाँ पे ये 45 हमको सेट करना है, 45 सेट कर दिए, इसको लॉक कर दिए। तो इसका ये एंगल, इसके साथ ये वाला एंगल जो है, ये कितना सेट किया है हम लोग, 45, और ये एंगल जो बचेगा वो कितना बचेगा, 180 माइनस 45, 135। अगर हमको एंगल मार्क करना है 45 डिग्री का, तो इसकी सहायता से क्या कर सकते हैं हम लोग, एंगल मार्क कर सकते हैं 45 डिग्री पे, ये और दूसरा 120 पे इसके साथ, सॉरी 135 पे। ये 45 और ये 135। इसी तरह से किसी भी एंगल को सेट करके 180 डिग्री के अंदर हम लोग प्रोटेक्टर हेड की सहायता से क्या कर सकते हैं, मार्किंग कर सकते हैं। तो इसका उपयोग एंगुलर मार्किंग के लिए
बहुत ज़्यादा होता है। जैसे मान लीजिए 60 डिग्री सेट करना है, 60, ये 60 और 0 को यहाँ पर ला करके इस लॉकिंग स्क्रू की सहायता से क्या करेंगे, लॉक कर देंगे। ये भी लॉक कर देंगे यहाँ पर, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये 0 और ये किस पर है, 60 पर है। तो ये एंगल जो मिलेगा हमको, ये एंगल, ये वाला, ये कितना है 60 डिग्री है इसके साथ, और ये कितना हो जाएगा 120 माइनस 60 120, ये हो गया और ये इसके साथ 60 डिग्री। तो इस तरह से इसका उपयोग एंगुलर मार्किंग के लिए कर सकते हैं प्रोटेक्टर हेड और स्केल की सहायता से। उसके बाद आता है सेंटर हेड, ये है सेंटर हेड, इसका उपयोग किसी भी राउंड जॉब के सेंटर में मार्किंग करने के लिए होता है। तो इसको भी इस तरह से इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट करके सेंटर हेड को इसको लॉक कर देंगे, और ये हमारे पास जॉब है राउंड जॉब, इसका सेंटर निकालेंगे हम लोग। तो क्या करते हैं, ये भी जो बना हुआ है ये, इसको क्या करेंगे, इसको कॉन्टेक्ट मिला करके टच करके, और ये स्केल पर यहाँ पर एक लाइन जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये, उसके बाद एक लाइन और खींचेंगे, एक लाइन और, तो ये राउंड जॉब का क्या हो गया, सेंटर फाइंड आउट हो गया। यहाँ पे दो लाइन, मिनिमम दो लाइन खींच करके किसी भी राउंड जॉब के सेंटर को क्या कर सकते हैं, हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा जॉब एक और है राउंड, ये हमारे पास, इसको भी इस तरह से कॉन्टेक्ट मिलाएंगे एक लाइन, दो लाइन, इस तरह से इस जॉब का भी सेंटर फाइंड आउट हो गया। तो उम्मीद है आप लोगों ने वीडियो को अच्छे तरीके से देखा होगा, किस तरह से यूज किया जाता है इसका, ये सारा चीज दिखा होगा, ये पार्ट्स भी दिखा है वीडियो में। अब एक एक करके हम लोग चर्चा करते हैं इनके बारे में। तो सबसे पहला पार्ट है इसमें स्क्वायर हेड, अगर स्क्वायर हेड के बारे में बात करेंगे तो ये स्क्वायर हेड है, यहाँ पर देखेंगे तो ये इसका ये लॉकिंग स्क्रू होता है, यहाँ पर ये स्लॉट होता है, और इस स्लॉट में जो रूल होता है ये ब्लेड होता है, इस ब्लेड को हम लोग इस तरीके से डाल करके और प्रयोग करते हैं। फिर यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये स्पिरिट लेवल होता है, ये स्पिरिट लेवल का काम आगे हम लोग समझेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर थोड़ा सा देखें तो ये स्पिरिट लेवल सतह के लेवल को चेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये प्रोटेक्टर हेड स्क्वायर हेड जो होता है इसमें ये स्पिरिट लेवल भी होता है, यहाँ पर ब्लेड को डालकर लॉकिंग करने के लिए लॉकिंग स्क्रू होता है। इसके बाद पीछे में ये देखेंगे तो ये एक स्क्राइबर होता है, अगर इसको इस तरीके से खोल कर निकालेंगे तो इस तरीके से ये निकल आता है, इसको हम लोग नॉब स्क्राइबर बोलते हैं। तो इस स्क्राइबर का प्रयोग हम लोग जॉब के सतह पर लाइन मार्किंग के लिए कर सकते हैं। ठीक, अभी यहाँ पर देखेंगे जब ये स्क्वायर हेड में हम लोग ये स्टील रूल को अगर डालते हैं तो इसका एक मेजरिंग फेस होता है, एक जो मापने वाला सिरा होता है ये 90 डिग्री के कोण पर बनता है, और ये दूसरा मेजरिंग फेस होता है ये 45 डिग्री के कोण पर होता है। ये वाला जो फेस होता है 90 डिग्री वाला, इसका प्रयोग हम लोग 90 डिग्री पर जॉब के सतह पर लाइन मार्किंग के लिए या लाइन खींचने के लिए प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो ट्राई स्क्वायर के जैसा ये बन जाता है। अगर ट्राई स्क्वायर में देखेंगे तो ये ब्लेड होता है और ये वाला भाग क्या होता है, स्टॉक में देखेंगे तो ये जो भाग होता है ना, ये और ये वाला भाग एकदम एक्यूरेट फिनिश होता है, चिकना होता है। तो ये ट्राई स्क्वायर के रूप में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, यानी ट्राई स्क्वायर के रूप में प्रयोग करना मतलब कोई इस तरीके से जॉब है, इसके ये साइड और ये साइड आपस में 90 डिग्री पर है कि नहीं है इसको चेक करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो वर्गता बोल सकते हैं, जॉब के स्क्वायरनेस को चेक करने के लिए ट्राई स्क्वायर का प्रयोग किया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जब ट्राई स्क्वायर के रूप में स्क्वायर हेड बन जाता है तो ट्राई स्क्वायर के द्वारा जो भी हम लोग काम कर सकते हैं इसके द्वारा भी वो काम कर सकते हैं।
सबसे पहले सतह की वर्गता और नहीं तो स्क्वायरनेस बोल सकते हैं, नहीं तो 90 डिग्री एंगल चेक करने के लिए, सतह के फ्लैटनेस चपटेपन को चेक करने के लिए। अगर हम लोग बेंच वाइस में जॉब को सेट कर रहे हैं तो जॉब सीधा सेट है कि नहीं है इसका भी हम लोग चेक करने के लिए, इसको भी चेक करने के लिए इसके ब्लेड का सहारा लेकर के और चेकिंग कर सकते हैं। मशीन के टेबल के ऊपर जॉब सही से सेट है कि नहीं है इसके लिए भी ये ब्लेड का सहारा लेकर के और 90 डिग्री चेक कर सकते हैं। फिर ये जो 45 डिग्री एंगल होता है इसके साथ ही ऑटोमेटिक 45 डिग्री बनता है। तो जॉब में अगर कहीं पर इस तरीके से 45 डिग्री के कोण पर मार्किंग करना है तो इस किनारे का सहारा लेकर के 45 डिग्री वाले मेजरिंग फेस मेजरिंग सतह का सहारा लेकर के 45 डिग्री पर एंगल भी हम लोग खींच सकते हैं। तो ये काम होता है इसका। बाकी ये हम लोग स्पिरिट लेवल का प्रयोग लेवल को चेक करने और स्क्राइबर का प्रयोग लाइन मार्किंग के लिए। फिर यहाँ पर अगर देखें यूज के लिए तो यहाँ पर देख सकते हैं ये स्टॉक हो गया इसका और ये ब्लेड है, इसका सहारा लेकर के ये 90 डिग्री लाइन खींच सकते हैं हम लोग जॉब के ऊपर। ये 45 डिग्री मार्किंग करना होगा जॉब के ऊपर तो जॉब के सतह के साथ इसको टच करके और ये इस तरीके से 45 डिग्री पर मार्किंग भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पर कोई स्लॉट है, अगर स्लॉट की गहराई को चेक करना है या मापना है तो इसके लिए भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। इसमें ये जो रूल होता है इसके ऊपर मिलीमीटर और इंच दोनों के निशान होते हैं और जिस तरीके से स्टील रूल में मार्किंग होता है आधा mm के अंतराल पर, यानी स्टील रूल की जो लिस्ट काउंट होती है 1/2 mm या 0.5 mm होता है इसी के आधार पर इसमें भी मार्किंग होता है। तो ये स्टील रूल का सहारा लेकर के हम लोग स्लॉट की गहराई भी चेक कर सकते हैं। किस तरीके से करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये जो बेस होता है ये फ्लैट होता है, फिर ये लॉकिंग स्क्रू को ढीला करके और ये स्लॉट की गहराई, इसकी गहराई चेक करनी है तो स्लॉट की गहराई को चेक करने के लिए स्क्रू को ढीला करके स्टील रूल को या ये जो ब्लेड है इसको हम लोग नीचे की तरफ डाल देते हैं, जितना जॉब के साथ सतह के साथ जाकर टच करता है, फिर लॉकिंग स्क्रू को टाइट करके इसको बाहर निकाल करके और जो भी माप होता है स्टील रूल में खुला हुआ अंदर गया हुआ उसके अनुसार रीडिंग भी पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से स्लॉट की गहराई, नहीं तो यहाँ पर देखेंगे तो ये पतली खांचे हैं, ये पतला खांचा है इसके अंदर भी हम लोग ब्लेड को डाल सकते हैं और कितना ब्लेड अंदर गया है इसको भी हम लोग पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा स्लॉट की गहराई वगैरह को चेक करने के लिए हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसका यूज होता है। अब एक एक पॉइंट इससे संबंधित स्क्वायर हेड से संबंधित एक एक पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पहला पॉइंट है यहाँ पे कि स्क्वायर हेड का एक मेजरिंग फेस 90 डिग्री और दूसरा मेजरिंग फेस कितना 45 डिग्री रूल और ब्लेड के साथ होता है, ये 45 और ये 90। इसका प्रयोग 90 डिग्री और 45 डिग्री एंगल को मार्क तथा चेक करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है 90 डिग्री वाले मेजरिंग फेस को ट्राई स्क्वायर के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है, इसको ट्राई स्क्वायर के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। इसका उपयोग मशीन पर वर्क पीस को सेट करने, जिस तरीके से ट्राई स्क्वायर का प्रयोग मशीन पर वर्क पीस को सेट करने के लिए ब्लेड का रेफरेंस लेकर के प्रयोग करते उसी तरीके से इसका प्रयोग किया जा सकता है। स्लॉट के गहराई को मेजर करने के लिए भी होता है, ये सारा चीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पर स्लॉट की गहराई किस तरीके से चेक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है स्क्वायर हेड में एक स्क्राइबर और स्पिरिट लेवल भी होता है। तो स्पिरिट लेवल का उपयोग जॉब को हॉरिजॉन्टल प्लेन में सेट करने के लिए, क्षैतिज तल में सेट करने के लिए इस स्पिरिट लेवल का प्रयोग कर सकते हैं हम लोग, और सरफेस लेवल को चेक करने के लिए तथा स्क्राइबर का उपयोग लाइन मार्किंग के लिए, ये जो स्क्राइबर होता है इसका प्रयोग लाइन मार्किंग के लिए कर सकते हैं। अब ये स्पिरिट लेवल का प्रयोग कैसे करते हैं हम लोग इसके लिए समझिए। यहाँ पर इसमें देखेंगे तो ये स्पिरिट लेवल होता है, एक ट्यूब होता है जिसके अंदर में स्पिरिट की बबल होती है, बुलबुला होता है और ये बुलबुले के अनुसार ही हम लोगों को पता चलता है कि सतह अप है या डाउन है या सही है कि नहीं है। यहाँ पर देखेंगे तो ट्यूब में इस तरीके से दो लाइन की मार्किंग होती है। अगर जॉब के सतह के ऊपर ये नीचे वाला भाग जो होता है ये फ्लैट होता है, जॉब के सतह के ऊपर इसको रखेंगे, अगर इसमें जो स्पिरिट का बबल है बुलबुला इन दोनों लाइन के बीच में होता है तो ऐसा हम लोग मान करके चलते हैं जो सतह का लेवल है ये एक समान है, कहीं से अप डाउन नहीं है। अगर मान के चलिए यहाँ पर ये जो ये बबल है ये लाइन से अगर इधर भागा, लाइन से इधर भाग के आ गया तो जिधर भाग के जाता है उसके अपोजिट साइड क्या होता है लेवल डाउन होता है। अगर इधर भाग के आया है इसका मतलब है कि इस तरफ वाला सतह जो है ये डाउन है
और इधर वाला सतह क्या है, अप है। ये हल्की होती है बबल, ये बुलबुला हल्की होती है, तो जिधर सतह डाउन होता है उसके जस्ट अपोजिट भागता है। तो जस्ट अपोजिट भागेगा तो हम लोगों को समझ में आना चाहिए कि इस तरफ का लेवल क्या है, डाउन है। तो फिर हम लोग उस तरीके से नीचे से कुछ चीज़ लगा करके और फिर लेवलिंग करने का कोशिश करते हैं। वर्कशॉप में जब मशीनों की स्थापना होती है तो मशीन के जो ये बेड होते हैं उनको सतह के समानांतर बिठाने के लिए, लेवल चेक करने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं हम लोग, ठीक। तो इस तरीके से इसका यूज होता है, यही पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है। इसके बाद इस तरीके से देख सकते हैं, ये 90 डिग्री पर लाइन मार्किंग का मतलब क्या, ये ब्लेड जो होता है इसका सहारा लेकर के 90 डिग्री पर लाइन मार्किंग भी कर सकते हैं। तो इतना पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। इसके बाद दूसरा जो पार्ट है सेंटर हेड, सेंटर हेड के लिए अगर देखेंगे तो ये वी ब्लॉक के जैसा ही होता है। वीडियो में हम लोग देखे हैं ये सारा चीज, और वी ग्रूव का कोण जो होता है कितना होता है, 90 डिग्री होता है। जहाँ पर भी वी ब्लॉक या वी ग्रूव आए इसका क्या काम रहता है, तो गोल जॉब को सपोर्ट करने के लिए। और इसका ये जो एंगल होता है ये कितना होता है, 90 डिग्री। तो ये भी पूछा जाता है एंगल। अभी इसका प्रयोग हम लोग गोल जॉब या स्क्वायर जॉब होता है, हेक्सागोनल जॉब होता है, इनके सेंटर को निकालने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। कैसे प्रयोग करते हैं ये सारा चीज़ दिखा है वीडियो में, अभी यहाँ पर हम लोग फिर से डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये राउंड जॉब है तो जॉब को इस वी के अंदर में डाल करके और मिनिमम दो लाइन, दो तरफ से लाइन को ड्रॉ करते हैं तो जॉब का सेंटर मिलता है। जैसे इस तरीके से सेट करने के बाद ये जो स्टील रूल होता है ना, इसके अंदर में अगर डालेंगे स्टील रूल को तो ये ऑटोमेटिक इस 90 डिग्री एंगल को 45-45 डिग्री के कोण में बांट देता है। तो इस तरीके से जब सेट करेंगे, सेट करने के बाद ये वाली लाइन मार्किंग कर सकते हैं हम लोग, एक लाइन का मार्किंग, फिर जॉब को घुमा करके और फिर ये दूसरी लाइन की मार्किंग कर सकते हैं। यानी इस तरीके से ये जॉब का सेंटर फाइंड आउट हो सकता है। अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये अगर ये गोल जॉब है तो सबसे पहले इसको जॉब को इस तरीके से रख करके और ये वाला लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर दूसरा लाइन ड्रॉ करेंगे और इनका ये जो कटान बिंदु होगा यही क्या होगा, जॉब का सेंटर होगा। ये वीडियो में हम लोग देखे हैं, ठीक। इसीलिए इसका उपयोग किसी भी राउंड जॉब, स्क्वायर, हेक्सागोनल जॉब का सेंटर निकालने के लिए किया जाता है। इस तरीके से इससे संबंधित पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट है प्रोटेक्टर हेड। प्रोटेक्टर हेड मतलब जिस तरीके से ज्योमेट्री बॉक्स में जो चांद होता है उसी तरीके का ये भी होता है। यह इस पर भी 0 से लेकर के 180 डिग्री तक के बीच में मार्किंग होती है, और इसका प्रयोग हम लोग कोण मापने के लिए या कोण की मार्किंग करने के लिए कर सकते हैं। यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये प्रोटेक्टर हेड है, इसका ये जो बाहरी भाग होता है ये तो फिक्स रहता है ये गोलाई में, इसके अंदर में ये जो भाग है जिस पर स्केल बना होता है ये स्विवल करता है, ये घूमता है और इसी पर मार्किंग होती है। जैसे देखिए 0, 10, 20, 30, 40 ये कहाँ तक, 180 डिग्री तक, और एक एक डिग्री के निशान पर इसमें मार्किंग होता है। जैसे 0 के बाद 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3, 4, 5, ये 5, फिर उसके बाद 10, 10 10 वाली लाइन जो है ये बड़ी करके दिखाई गई है। तो यहाँ पर इसका लिस्ट काउंट पूछता है, ये जो प्रोटेक्टर हेड होता है इसका लिस्ट काउंट, सबसे कम से कम जो मेजरमेंट इसके द्वारा लिया जा सकता है ये 1 डिग्री के एक्यूरेसी में लिया जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोटेक्टर हेड का लिस्ट काउंट कितना होता है, तो 1 डिग्री। और यहाँ पर देखेंगे ये जो बाहरी फेस होता है, ये बाहरी भाग जो होता है इस पर ये 0 की मार्किंग होती है और ये 0 लाइन होता है, ये रेफरेंस के लिए होता है। अगर इसमें इस तरीके से ब्लेड को डाल करके और हम लोग एंगल को सेट करेंगे, एंगल सेट करते वक्त ये वाला जो भाग होता है यही क्या होता है, यही पीछे की ये यही गोल गोल घूमता है और एंगल को सेट करता है। जैसे यहाँ पर मान के चलिए 45 डिग्री एंगल सेट करना है, तो यहाँ पर ये 40 है और ये 45 है, ये 0 लाइन के पास में ये 45 डिग्री को लाएंगे, तो इस तरीके से रूल के साथ ये वाला जो एंगल, अगर ये एंगल हम लोग सेट कर रहे हैं तो ये कितना सेट हो जाता है, ये 45, और एक साथ ये दो एंगल को बताता है। जो है हम लोग एंगल एक सेट किए वो एंगल, और दूसरा ये टोटल एंगल देखेंगे तो ये कितना होता है, 180। तो 180 माइनस 45 डिग्री कितना बन जाएगा, 135 डिग्री दूसरा एंगल हो जाएगा। तो ये वीडियो में हम लोग देखें, अब 45 डिग्री वाले एंगल का प्रयोग करना है तो 45 का सहारा लेकर के मार्किंग कर सकते हैं, अगर 135 खींचना है तो 135 मार्किंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से मार्किंग के लिए इसका प्रयोग होता है। बीच में लॉकिंग स्क्रू होता है जिसमें इसमें स्टील रूल को डाल करके और स्टील रूल इधर उधर न खींच के उसको लॉक कर सकते हैं। फिर ये जो स्विवल प्लेट होता है इसको लॉक करने के लिए इसके पीछे में स्क्रू होता है, वहाँ से हम लोग
लॉक कर देते हैं एंगल सेट करने के बाद, ताकि ये रीडिंग इधर उधर ना होते, ये भी हम लोग देखे हैं वीडियो में। ठीक, तो इस तरीके से अभी एक एक पॉइंट इसमें डिस्कस करें। तो सबसे पहला पॉइंट है प्रोटेक्टर हेड को घुमाकर 0 से 180 डिग्री के एंगल में सेट कर सकते हैं। इसमें भी स्क्वायर हेड की तरह एक स्पिरिट लेवल होता है। तो स्पिरिट लेवल का प्रयोग किसके लिए करते हैं, तो सतह के लेवल को चेक करने के लिए। प्रोटेक्टर हेड को 1 डिग्री के एक्यूरेसी में मार्किंग तथा मेजरिंग के लिए उपयोग किया जाता है। ये लिस्ट काउंट पूछा जाता है कि प्रोटेक्टर हेड का लिस्ट काउंट कितना होता है, ध्यान रखना है ये क्वेश्चन। इतना पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। इसके बाद अब नेक्स्ट जो इसका पार्ट है, ये रूल है, नहीं तो इसको ब्लेड भी बोला जाता है। ये रूल या ब्लेड, इसके पीछे में देखेंगे तो ये स्लॉट कटा होता है। स्लॉट किस लिए, तो जो अलग अलग हेड होते हैं उसमें फंसाने के लिए ये स्लॉट कटा होता है। और इस पर इधर देखेंगे तो ये इंच में मार्किंग, और इधर सेंटीमीटर, नहीं तो एमएम में बोल सकते हैं, एमएम में मार्किंग होता है। और स्टील रूल जिस तरीके से अलग अलग साइज में होता है, उसी तरीके से इसका साइज, और इसका अगर लिस्ट काउंट पूछे तो 0.5 mm होता है। ठीक, अभी यहाँ पर देखेंगे तो रूल और ब्लेड निकेल क्रोमियम स्टील के या स्टेनलेस स्टील के बने होते। निकेल क्रोमियम स्टील, निकेल और क्रोमियम मिलाने की वजह से स्टील में जंग नहीं लगता है, इसीलिए ये सबसे बेहतर धातु होता है, और इसी के ये स्टील रूल या ब्लेड बने होते हैं। अभी ये स्टेनलेस स्टील का देखेंगे तो स्टेनलेस स्टील का ये कंपोजिशन है, ये मेटल में सारा चीज पढ़ लेंगे हम लोग, लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टेनलेस स्टील का कंपोजिशन पूछा जाता है कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट मिले होते हैं, तो निकेल होता है 8%, 18% क्रोमियम, और 1% क्या होता है, कार्बन होता है। तो ध्यान रखना है, यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछेगा कि स्टेनलेस स्टील में कौन कौन से अलॉयिंग एलिमेंट होते हैं। ऑप्शन दिया रहता है, उसके अनुसार निकेल क्रोमियम और इसके बाद कार्बन को हम लोग टिक आउट करेंगे। फिर पूछा जाता है कि स्टेनलेस स्टील में मुख्य रूप से कौन सा अलॉयिंग एलिमेंट मिला होता है, तो मुख्य रूप से किसको हम लोग बोलेंगे, तो जिसकी परसेंटेज ज़्यादा है। इसमें निकेल 8% है, क्रोमियम 18 और 1% कार्बन है, तो मुख्य रूप से कौन सा, 18% यानी क्रोमियम को टिक आउट करेंगे। तो भर भर के क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, इसको ध्यान रखना है। मेटल आप पढ़ेंगे तो पूरा ये क्लियर हो जाएगा, इसके लिए कोर्स ज्वाइन करेंगे तो पूरा आपको लेक्चर मिल जाएगा, वीडियो सॉल्यूशन वगैरह क्वेश्चन का भी है, और फिर ये पूरा स्लाइड भी आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा। ठीक, इसके बाद अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अब कॉम्बिनेशन सेट से संबंधित कुछ नोट पॉइंट यहाँ पर है, इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो अभी एक एक करके इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, किसी भी हेड को यूज करने के लिए रूल और ब्लेड को हमेशा कॉम्बिनेशन बनाकर उपयोग में लाया जाता है। कॉम्बिनेशन सेट के जो अलग अलग पार्ट है, जैसे स्क्वायर हेड, सेंटर हेड, प्रोटेक्टर हेड, इनको यूज करना होता है, तो इसके लिए जो रूल होता है या ब्लेड होता है, इसको हमेशा कॉम्बिनेशन बनाकर प्रयोग किया जाता है। प्रोटेक्टर हेड का लिस्ट काउंट 1 डिग्री होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको ध्यान रखना है। स्पिरिट लेवल की परिशुद्धता 0.02 mm/100 mm लेंथ होती है, ये एक्यूरेसी भी पूछा जाता है, अलग अलग एग्जाम में ये पूछा गया है, इसको भी ध्यान रखना है। इसका मतलब क्या है, 0.02 mm/100 mm, इसका मतलब यही है कि अगर ये स्पिरिट लेवल है, इसको अगर हम लोग 100 mm लंबाई में रख दें, 100 mm लंबाई के कॉन्टेक्ट में रख दें, तो 100 mm लंबाई के कॉन्टेक्ट के अंदर अगर 0.02 mm का भी लेवल अप और डाउन होगा, तो ये बता सकता है, और इसी को हम लोग इसकी परिशुद्धता बोलते हैं। ये डाटा ध्यान रखना है, ये पूछा जाता है। ठीक, इसके बाद एक नेक्स्ट होता है प्रिसीजन स्पिरिट लेवल, एक अति परिशुद्ध स्पिरिट लेवल होता है, इसका प्रयोग हम लोग बहुत अधिक सूक्ष्मता में माप को चेक करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं, लेवल को चेक करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं, जैसे 0.02 से 0.05 mm/1000 mm लेंथ। यहाँ पर 100 mm लेंथ में ये एक्यूरेसी थी, अगर 1000 mm लंबाई में भी अगर इसके कॉन्टेक्ट को रख करके, और अगर देखना चाहे अगर उसमें 0.02 mm से 0.05 mm यानी 20 माइक्रोन से 50 माइक्रोन के बीच में अगर हाफ लेवल अप और डाउन होगा, तो ये भी पता चल सकता है इसके द्वारा, तो इसको भी ध्यान रखना है। ये डाटा पूछा गया है, ये प्रिसीजन इसलिए क्योंकि ये 1000 mm लंबाई में इतने के बीच में वेरिएशन को बता सकता है, इस तरीके से इसको बता सकते हैं। नेक्स्ट है लॉकिंग स्क्रू या थंब नट, जो अलग अलग हेड में लॉकिंग स्क्रू था या थंब नट था, ये गन मेटल मजबूत धातु होती है, उसी की बनी होती है। नेक्स्ट होता है ब्लॉक स्पिरिट लेवल का प्रयोग दोनों हॉरिजॉन्टल तथा वर्टिकल सतह के लेवल को चेक करने के लिए किया जाता है। यहाँ से यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है,
क्वेश्चन पूछेगा कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सतह को चेक करने के लिए, लेवल को चेक करने के लिए निम्न में से कौन सा स्पिरिट लेवल प्रयोग किया जाता है, तो वहां पर ब्लॉक स्पिरिट लेवल को हम लोग टिक आउट करेंगे। पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना है। ठीक, अभी यहाँ पर ब्लॉक स्पिरिट लेवल में देखेंगे तो ये बॉक्स के जैसा बना होता है, यहाँ पर एक स्पिरिट लेवल लगा होता है, यहाँ पर भी स्पिरिट लेवल लगा होता है। जब मशीन की स्थापना हम लोग वर्कशॉप में करते हैं तो वहाँ पर हॉरिजॉन्टल सतह और वर्टिकल सतह को चेक करने के लिए, लेवल को चेक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, इस तरीके से मान के चलिए ये मशीन, ड्रिल मशीन का ये पिलर है और यहाँ पर ये इसका बेस है, तो इस दोनों को एक साथ चेक करना है। तो इस बॉक्स स्पिरिट लेवल को यहाँ पर रख देते हैं, हॉरिजॉन्टल सतह को ये हॉरिजॉन्टल लेवल वाला स्पिरिट लेवल बता देगा और वर्टिकल वाले को कौन बताएगा, वर्टिकल। अगर ये टेढ़ा होगा तो उसके अनुसार ये बबल ऊपर नीचे होगी। तो इस तरीके से यूज करके हम लोग और स्पिरिट लेवल के बारे में बता सकते हैं। तो यहाँ पर ब्लॉक स्पिरिट लेवल से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया, ये सारा क्वेश्चन ही है, यहाँ पर ध्यान रखना है, इसको अलग अलग एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, अभी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे किसी और टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।